हेलो दोस्तों, मैं जस चौधरी। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो या ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो एन Z8L ऑटोमेटिक की सर्विस कराने, जो कि है 40,000 किलोमीटर वाली। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है महिंद्रा में और कितना कुछ खर्चा आता है और किन किन चीजों पर जो है वो आपको ध्यान देना है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो हो चुकी है 39,959 किलोमीटर और DEF लेवल जो है वो 27% पर बचा है। और यहाँ पर देखेंगे आप वार्निंग में जो है वो भी वार्निंग लाइट में जो है अलर्ट में जो है वो वार्निंग लाइट आ चुकी है कि आपकी सर्विस जो है वो आपकी ड्यू हो चुकी है। दोस्तों अभी जो है मैं अपनी सिटी से 70-80 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और भाई थोड़ा सा जो है अब वक्त है, एक बार यहाँ रुककर जो है चाय पी लेते हैं। दोस्तों जहां मैं सर्विस कराता हूँ वहां का स्टाफ 9:40 तक जो है वो कंपनी के अंदर है। मैं बेसिकली मुरादाबाद से बिजनौर सर्विस कराने जाता हूँ गाड़ी की, और अभी 9 बज रहे हैं तो अभी स्टाफ नहीं आएगा। उससे पहले मैंने सोचा एक चाय पी लेते हैं और उसके बाद जो है आराम से पहुंचकर सर्विस कराएंगे। और सर्विस में मुझे क्या क्या चीजें ऊपर ध्यान देना है और आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, टायर्स, बैटरी और बाकी जो चीजें बदली जाती हैं, ऑयल वगैरह, उन सबका तो ध्यान आपको रखना है। एडिशनल जो है वो आपका बैटरी की पावर आप चेक करा लें, उस पर कार्बन नहीं हो। साथ में जो है जितने भी आपके दरवाजे हैं उन पर जो है ग्रीसिंग करा लें, उनकी सफाई करा लें। और अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो सनरूफ की जो है वो क्लीनिंग करा लें, क्योंकि वहां पर जो है कई बार डस्ट पड़ जाती है और वहां पर जो है रेत पड़ जाता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रख। तो दोस्तों आ गए हैं वहां पर जहाँ हम सर्विस कराते हैं। मैं मोस्टली यही सर्विस कराना था जो कि है बिजनौर में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम वर्कशॉप के अंदर और यहाँ पर पहले से ही कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि कल किसी काम के वजह से रह गई होंगी। और आपको हमेशा उस मिस्त्री से काम कराना जो फ्री हो, ना कि उस मिस्त्री से जिसके पास पेंडिंग ऑलरेडी कोई कार पड़ी हो जिसके वजह से वो जल्दी जल्दी काम करके आपसे बचना चाहेगा। तो दोस्तों पहले हम चल देते हैं अपनी गाड़ी के रोड टेस्ट पर और यहाँ पर जो है भैया टेक्निकल चीजें नोट कर लेते हैं और जो हमारी शिकायत या सुझाव होते हैं उनको भी जो है जॉब कार्ड में नोट करा देते हैं। भैया कर लेते हैं गाड़ी को लिफ्ट पर हैंग और उसके बाद में लग जाते हैं हमारी गाड़ी के टायर खोलने में। और देखते ही देखते भैया चारों टायर्स को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। जब तक गाड़ी के टायर खोलते हैं भैया जाकर स्टोर से हमारी गाड़ी की सर्विस का सारा सामान जो है वो ले आते हैं। यहाँ पर इस सामान में है 6 लीटर इंजन ऑयल, उसके बाद आता है एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर और एक डिस्क पैड क्लीनर। दोस्तों ये जो चीज है ये काम आती है आपके डिस्क पैड को अच्छे से क्लीन करने में। सबसे पहले गाड़ी के इंजन पर एयर मार के उसकी डस्ट क्लीन करके भैया लग जाते हैं हमारी गाड़ी की सर्विस के लिए। इंजन ऑयल को ड्रेनेज पर लगाकर भैया चेक करने लगते हैं हमारी गाड़ी के नट बोल्ट, जो कि होते हैं ज्यादातर सस्पेंशन के, स्टीयरिंग रॉड वगैरह के, जो डायरेक्टली आपके कंट्रोल से चलते हैं, तो वहां पर जो है उन्हें वो टाइट कर देते हैं। इसके बाद भैया ले आते हैं अपनी एक मशीन जिससे वो चेक करते हैं हमारी डिस्क प्लेट को। और यहाँ पर मुझे भैया बताते हैं कि आपकी डिस्क प्लेट की जो है वो होगी फेसिंग, और फेसिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद भैया टॉर्च लेकर लग जाते हैं जांच पड़ताल करने। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोडक्शन प्लेट लगी हुई है इसीलिए यहाँ का चेक होता है, ये कोई भी गाड़ी हो वो टॉर्च से एक बार अंदर तक का जरूर चेक करते हैं कि बुश वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद भैया लगा देते हैं हमारी गाड़ी में नया एयर फिल्टर, जो कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये एयर फिल्टर लगाएं तो उसके बाद जो इसका सेंसर है वो ध्यान से लगा दें, बस यही आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। दोस्तों अब बारी आती है ऑयल फिल्टर को चेंज करने की और भैया जो यहाँ पर उसको खोल लेते हैं। ऑयल फिल्टर के कैप को अच्छे से कपड़े से साफ करने के बाद नया ऑयल फिल्टर लगाकर भैया उसके ऊपर मोबिल लगाकर जो है उसे अच्छे से फिट कर देते हैं। दोस्तों इसी बीच यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया, जो कि हमारी कार की बैटरी की पावर चेक करते हैं। और ये चीज आपको बहुत ध्यान से करवानी है, इससे पता लगता है आपकी गाड़ी की जो बैटरी पावर है कितनी है और इसकी जो लाइफ है कितनी बची हुई है। इसके बाद भैया टॉप अप करते हैं हमारी कार में 6 लीटर अल्ट्रा V4 इंजन ऑयल। दोस्तों यहाँ पर छोटी सी दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ प्रोटेक्शन प्लेट लगे होने की वजह से डीजल फिल्टर नहीं उतर पाता है, और ऐसे में भैया को फिर प्रोटेक्शन प्लेट हटाकर वो डीजल फिल्टर निकालना पड़ता है। दोस्तों अब बारी आती है डिस्क प्लेट की फेसिंग की, और फेसिंग कुछ और नहीं होता, एक मशीन से इसकी थोड़ी सी घिसाई होती है, और अक्सर आपने सुना होगा कि डिस्क प्लेट की खैरात पड़ जाती है, वही काम यहाँ इस मशीन से होता है। और जो ये साइनिंग वाला पार्ट आप देख रहे हैं मूव होते हुए सर्कल सा, इससे जो है यहाँ से घिसाई होनी शुरू हो चुकी है। और ये रहा दोस्तों रिजल्ट आफ्टर डिस्क फेसिंग, जो कि बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, एकदम चिकना, कोई अब लाइनिंग भी नहीं बची है ना ही कोई और दिक्कत। और दोस्तों ये आ गए हमारी गाड़ी के नए डिस्क पैड। आप इसमें जो ये लाइन देख रहे हैं ये असल में इंडिकेटर होता है कि कहाँ तक आप इस डिस्क पैड को यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप इस लाइन को पूरा ना घिस पाएं, उससे पहले जो है थोड़ा सा बदलवा लें। और दोस्तों ऐसी हालत है हमारे पुराने डिस्पैड की, आप लाइनिंग देखेंगे बिल्कुल घिसने की कगार पे आ चुकी है, लेकिन उससे पहले ही जो है मैंने इन्हें बदलवा दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लिस्टर में इतनी सारी लाइट देखने के बाद हम चल देते हैं अपनी गाड़ी का रोड टेस्ट करने। इसके ब्रेक्स वगैरह जो है वो सब सही से काम कर रहे हैं, कोई सेंसर कोई लाइट जो है कुछ लगातार तो जलती नहीं रहेगी, और ये सारी लाइट जो है वो बाद में बंद हो गई थी। गाड़ी वॉश होने के बाद होती है रेडी और मैं चेक कराता हूँ गाड़ी की सनरूफ, उसका वाटर ड्रेनेज और उसकी रबड़, ताकि मुझे अरुण पवार की तरह बाद में लीकेज की वजह से
रोना ना पड़े। आई होप आप भी जरूर कराते होंगे। तो ये थी गाड़ी की टोटल सर्विस जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि अब आप समझ पाएंगे कि किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। एडिशनल जो चीजें हैं वो है बैटरी चेक करा लेना, अपने सनरूफ क्लीन करा लेना, उसका ड्रेनेज सिस्टम चेक करा लेना, दरवाजों का ड्रेनेज सिस्टम चेक कराना जिससे पानी भरने की समस्या ना आए और आपकी गाड़ी में जंग ना लगे। साथ ही दोस्तों अगर खर्चे की बात करें हम तो 40,000 वाली सर्विस जो हमें कुल पड़ी है वो है 17,000 रुपए की, जिसमें 4,100 रुपए तो केवल लेबर चार्ज था, जिसके अंदर आपको अलाइनमेंट और वॉशिंग दी जाती है, इनका पैसा लेबर चार्ज में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके अलावा 4,000 कुछ रुपए विदाउट टैक्सेस बता रहा हूँ, ये 4,000 कुछ रुपए के जो सामान है वो आए थे, और उसके बाद में जो है ब्रेक शू पड़े थे वो हैं 5,200 रुपए के लगभग, और जो डिस्क प्लेट की फेसिंग हुई है जिसको घिसाई भी कहते हैं तो वो जो हुई है वो लगभग हुई है 2,000 रुपए के आसपास विदाउट टैक्स, और उसका टैक्स भी लगता है। कुल मिलाकर 17,000 रुपए जो है वो 40,000 की सर्विस में लग चुके हैं, क्योंकि अगर आपके भी कराने जाएंगे तो लगभग यही खर्चा लगभग आएगा आपका 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में, क्योंकि आपके डिस्क पैड और डिस्क प्लेट की फेसिंग जो है वो हो सकती है। अब वो कंडीशंस पे अप्लाई करता है कि आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, तो उस लिए। और मेरा पिछली बार भी 30,000 वाली पे जो है वो रेयर डिस्क जो है वो बदले गए थे, तो वो भी कॉस्टली पड़ी थी, तो इस बार जो है थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि फेसिंग भी हुई थी, पर जो है लगभग इतना ही 40,000 का जो आपको खर्चा वो इतना ही आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।